हूँ वीडियो, तो आप सबको ये देख के पता चल चुका होगा मैं कद्दू की आज रेसिपी बनाने वाला हूँ। तो आज मैंने ये मार्केट से कद्दू लेके आया हूँ, तो आज कद्दू का सब्जी बना के ट्राई करेंगे। और आज कद्दू का जो सब्जी होगा वो है कद्दू करी। तो चलिए अभी इसको हमने काट दिया, तो इसको हम छोटा छोटा पीस करेंगे और उसके बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस में दिखाऊंगा, बने रहिए वीडियो पे। मैंने ये कद्दू को मैंने छोटा छोटा पीस कर चुका हूँ, तो अभी इसको हम आगे का प्रोसेस करेंगे, इसको अच्छे से पानी से धो लेंगे। अभी आप देख चुका है मैंने कद्दू को अच्छे तरीके से धो के रख दिया हूँ। अभी हम इसमें कुकर में हम इसको कद्दू को हम पकाएंगे, इसको सॉफ्ट करेंगे। तो उसके लिए हम आगे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको नमक डालना है थोड़ा सा, तो यहाँ नमक डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको हल्दी डालना है, हल्दी डाल देना है अच्छे से। अभी इसको मिक्स करेंगे हम। अब यहाँ हम पानी डालेंगे, अभी हम इसको ढक के कुकर को दो सीटी मारेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी पक चुका है बढ़िया से। तो चलिए अभी इसको हम बनाएंगे आगे के प्रोसेस। तो चलिए अब हम यहाँ में मस्टर्ड ऑयल डालेंगे पहले। तो तेल गर्म हो चुका है, तो अभी हम यहाँ डालेंगे लौंग, इलायची और ये दालचीनी। उसके बाद कुछ जीरा डालेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ कटा हुआ प्याज और हरा मिर्चा और लहसुन का टुकड़ा यहाँ हम ऐड करेंगे। प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब यह ब्राउन कलर ना हो जाए। अच्छा से इसको ब्राउन कलर कर लेना है प्याज को। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा प्याज जो है पूरा ब्राउन कलर हो चुका है। अभी हम यहाँ ऐड करेंगे दो कटा हुआ टमाटर। अभी टमाटर सॉफ्ट होने के लिए हम 2 मिनट हम ढक के रखेंगे सब्जी को। तो चलिए अभी चेक करते हैं। टमाटर काफी सॉफ्ट हो चुका है। अभी हम यहाँ कुछ मसाला ऐड करेंगे, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर। और हम हल्दी यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि हल्दी जो है पम्पकिन पकाते वक्त हम डाला हुआ है। अभी हम मसाले को थोड़ा अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा रेडी है अभी जो हम पम्पकिन को हम कुकर में बनाया था, अब हम इसको यहाँ खाली करेंगे। अभी हम यहाँ में नमक टेस्ट करेंगे, अगर नमक कम हुआ तो थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे। नमक का थोड़ा कमी है तो नमक यहाँ ऐड करेंगे हल्का सा। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है पम्पकिन का करी बनाना। तो ये मेरा पम्पकिन का करी है, बहुत अच्छा से बन गया है। तो इसको हम खाते हैं और आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं अभी। तो गैस तो ये रेडी है, तो चलिए हम खाते हैं। और यहाँ साथ में आमलेट है, बहुत गर्म है।
ये देखे कद्दू पम्पकिन। बहुत गर्म है। Awesome।